ये है जो राजस्थानी का हल्का मतलब कैंप लगा हुआ उनका, उनकी गाड़ियाँ भी सर्विस दे रही है। तो अभी जा रहे हैं मैं और कफिल भाई दोनों, तो चलते हैं सीधा पोलिंग स्टेशन। इधर भी लोग वोट डालने आए हुए, वोटिंग हो रही है। देखो मीडिया भी जैसा भाई, अभी हम जा रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशन, सारी पार्किंग वोटिंग के लिए सारी सारी। वही आ गया हमारा पोलिंग स्टेशन, तो यहाँ चलते हैं अभी और मालूमात लेते हैं सारी चीज़ों की। रात को भी दिखाता हूँ क्या सूरत चाल है, चलते हैं इधर। यहाँ पे भी सब मैंने जो SMS किया था उसमें ना एड्रेस नहीं आता, अभी सामने बंदा बैठा हुआ है, ये एड्रेस बताएगा कहाँ वोट डलेगा, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। पर्ची ये बन चुकी है और मेरा दूसरी अलहमदुल्ला वोट डाल दिया है मैंने। और कपिल भाई आप दिखाओ, किसको वोट डाला आपने? डाल दिया मेरी वोट हम दोनों भाइयों ने डाल दिया है। अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं किसको वोट दिया है, और इंशाल्लाह जीत और हार अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमने अपना हक अदा कर दिया। अब चलते हैं सीधा कहीं और। जोहर की नमाज का टाइम हो गया है, अभी चलते हैं नमाज अदा करने, और आज शब मेराज भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का रोज़ा भी है, तो फिलहाल नमाज अदा करते उसके बाद बातचीत कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत में है, वोट कास्ट कर दिया है और अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया है। बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, कौन जीतता है कौन हारता है कुछ नहीं पता, लेकिन हमने तो अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया है और वोट जो है वो दे दिया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाकी आप सब बेहतर जानते हैं। तो फिलहाल अभी जोहर की नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो गई है, चलते सीधा वापस, और जो भी आज की एक्टिविटी वगैरह होती है वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो वोट तो भाई कास्ट हो गया हमारा, अब हम जा रहे थे पोलिंग स्टेशन देखने, माहौल देते हैं इलेक्शन वाले दिन का माहौल कराची के अंदर कैसा है। आगे भाई सारे बाइक पर और मैं और दिलीप भाई अपनी बाइक पर, तो भी चलते हैं, बाकी आपको भी दिखाते हैं सारा यहाँ का क्या हिसाब किताब है। ये पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर रश ज़्यादा है, हमारे वाले में इतना नहीं था, यहाँ पर ज़्यादा रश। हाँ PTI बहुत रश है, आगे चलते हैं और एक और आगे बना हुआ है, यहाँ भी देखते क्या छोड़ते हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग निकले भाई वो डालने के लिए निकले लोग, इधर भी है भाई, इधर भी है, इधर भी है, इधर कुछ ज़्यादा ही रश है मेरे ख्याल, यहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं। ये देखो आप पार्किंग लगी हुई है सबकी, हाँ ये स्कूल है आगे, तो यहाँ पर जो है वोट कास्ट हो रहा है। ये इधर चल चल रहे हैं, यहाँ पर भी वोट हो रहे हैं और PTI का जनता देख रही, इधर भी पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर सही वहाँ जा रहे सब। ये भाई भी हमारे सारे साथ चल रहे हैं और ये देखो कराची जो है बंद है, ये साहिब हमारी मोहन बंद हुआ है पूरा। सलमान भाई
कुछ बंद है, बंद है। ये है मदनी मोड़, ये भी बंद है। तो भाई हम घूमने जा रहे हैं पुलिस स्टेशन पे, सब चीज़ें का सुविधा लिया है, कहाँ रश है कहाँ नहीं है। तो आज कुछ करने को है नहीं, मोबाइल वोबाइल सब कुछ बंद है। तो हमने कहा चलो यही काम कर लेते, वोट भी हमने डाल दिया है, तो अभी देखते हैं। बाकी घूम रहे इधर ही कराची में। ये भाई इधर भी बहुत कास्ट हो रहा है। ये है जमातिस्तानी का हल्का, मतलब कैंप लगा हुआ उनका, उनकी गाड़ियाँ भी सर्विस दे रही है। ये TLP, ये कौन सा बलून खुन रही है। ये PP का हल्का खाली है, एक और जमातिस्तानी का आ गया। चलो चलो मैं और आर्यन भाई दोनों भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं सर की, अब जा रहे हैं सीधा काम की तरफ। तो भाई वोटिंग का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं, और अभी जो है वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। और सारे जो पोलिंग स्टेशन हैं जो भी इनको कहते हैं, अभी तो नहीं आवाम रह गई, बाकी सब चले गए। इनको डेकोरेशन का सामान सब कुछ उठ रहा है यहाँ से। इनकी रिपोर्ट यही है कि एक जगह पर जहाँ हम थे वहाँ पर गांधी स्टार्ट हो चुकी है। वोट एक पार्टी को डल रहे थे, ज़्यादा इसको डल लेते, वो सब जानते, मैं नाम नहीं लूँगा। और इन्होंने पेपर ख़त्म कर दिए जान करके। अब आगे अल्लाह मालिक का रिजल्ट क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो अल्लाह बेहतर जानता है। सर भाई सारा मामला जो है वो निमट गया है, देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, वोट देकर भी आ गया हूँ और रोज़ा भी मैंने इफ्तार कर लिया है। तो भी आ गया घर पर, अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट चल रही है। थोड़ा बहुत आपको दिखा भी देता हूँ मैं कि कौन आगे कौन पीछे। रिजल्ट तो अभी खैर नहीं आएगा, रिजल्ट में टाइम लगेगा, लेकिन आपको बताता हूँ मैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं घर। आप लोगों ने किसको वोट किया, अगर डर नहीं लगता तो कमेंट में जरूर बताइए। वोटिंग वगैरह तो सब कुछ चल रही है अभी, और अभी तक के जो नतज है वो सारे इंडिपेंडेंट जो इमरान खान के हैं वो आगे हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट आप सबको पता है क्या होना है क्या नहीं होना। अल्लाह बेहतर जाने, फेयर अगर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह अच्छी वीडियो देखने चले सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा।